गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ मैथ का बिल्कुल असली और वायरल पेपर 110%। अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड में 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो क्लास टेंथ मैथ यानी गणित का ये असली और वायरल पेपर है 2024 बोर्ड के लिए, ठीक है। और ऐसा ही पेपर आएगा आपके टेंथ मैथ का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। यही नहीं, आज के इस वीडियो में हम पूरा पेपर जो है सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, यानी पेपर देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी पेपर हल सहित रहेगी। ये जो पेपर है ये बिल्कुल असली और वायरल पेपर है। आप भी, आपको 70 नंबर लाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जितने भी वीडियो आ सके उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम, ये होता है आपका पेपर, ये विषय कोड होता है और ये होता है पेपर कोड 2024 गणित का, ये वायरल पेपर है, ठीक है। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 दिया जाता है। ये बोल रखा है कि प्रत्येक प्रश्न आपको करने अनिवार्य है, कौन से प्रश्न के कितने खंड के कितने प्रश्न करने, ये चीजें शुरू में लिख दिया गया है, ठीक है। ये चीजें तो आप खुद पढ़ सकते हो। यहां से आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली प्रमेय संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, यहाँ पे दे रखा है 77/210 129/2^2 × 5^7 × 7^5। और तीसरा है कि 13/3125 और डी है कि 8/17। अब देखो, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली जो संख्याएं होती है वो कैसी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या पूछ रखा है हमसे, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली प्रमेय संख्या, ठीक है। तो शांत दशमलव में की प्रमेय जो संख्या होती है वो कैसी होती है, सबसे पहले आप ये जानो वो किस रूप में होती है। तो वो होती है आपकी रूप में 2^n × 5^m, ठीक। इस फॉर्म में आपको कोई भी संख्या दिखती है तो वो शांत होती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे, उन्हें को हल करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें कौन सा शांत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 77/210 है, ठीक है, 77/210। अब इसको आप कितने से काट दो, 7 से काट दो, 7 × 7 = 7, ठीक है। और इसको काट दिया आपने 7 × 3 = 30। अब 30 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो ये 2 × 3 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 × 2 = 6 = 56, ये आपको 2^n मिल गया, ठीक है, 5^m मिल गया। लेकिन एक संख्या एक्स्ट्रा है तो ये अशांत है, ठीक है, ये क्या है, अशांत यानी शांत नहीं है। अब दूसरी संख्या दे रखा है 129/2^n मिल गया, 5^m मिल गया, लेकिन एक संख्या एक्स्ट्रा है तो ये शांत नहीं होगी। अब यहाँ पे 13/3125, अब 3125 का हम लसन निकाल लेंगे इस तरह से 3125, ठीक है, यहाँ पे है 3125, ठीक है। इसे हम किससे काटेंगे, सबसे पहले 5 से काट लेते हैं, तो ये 5 × 6 = 30 हो गया और 1 बच गया, ठीक है, 5 × 2 = 20 और 5 × 5 = 25, ये हो गया। अब इसके बाद फिर इसे 5 से काट दीजिए, 5 × 5, ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, अगेन हम 5 से काटेंगे तो ये 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1, यानी ये टोटल का टोटल क्या हो जा रहा है, 5 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखे, कट 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5^5 है, ठीक है। तो हमको 5^m तो मिल गया, 5^m मिल गया, लेकिन आप जानते हो कि 2^ अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 5^ अगर 0 है, 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2^0 × 5^5, ठीक है, सॉरी 5 रहेगा ये, तो हमको क्या मिल गया, 2^n × 5^m, अर्थात ये क्या है, एक शांत है, ठीक है, ये क्या है, एक शांत है। तो ये संख्या है हमारी क्या हो जाएंगी, ये 13/125, ये क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। और ये 8/17 है, तो ये 17 का तो एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है, तो m के पावर n नहीं मिल पाएगा हमें, तो ये आपको 5 आएगा ही नहीं, ठीक है। कैसे काटोगे आप, तो ये वाली संख्या आपका 13/3125, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा।
अब देखिए जो सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है क्यू माइनस वन, ठीक है, क्यू प्लस वन, टू क्यू और टू क्यू प्लस वन। अब यहाँ पे क्यू है तो देखिए क्यू बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्यू बराबर माइनस एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, सात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो ये टू क्यू दे रखा है, जैसे टू क्यू क्या होता है, एक सम पूर्णांक होता है, ठीक है, क्या होता है, एक सम पूर्णांक होता है। यहाँ पे अगर टू क्यू है ना तो दो का इसमें भाग आसानी से चला जाए, सम पूर्णांक मतलब दो का भाग जिसमें आसानी से चला जाता है वो एक धनात्मक सम पूर्णांक होती है। अब टू क्यू में अगर दो से आप भाग दोगे तो ये चला जाएगा, अर्थात टू क्यू क्या है, एक सम पूर्णांक धनात्मक संख्या है। ये चीज होगी, आसान था एकदम। तीसरा है कि समीकरण निकाय के एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल माइनस थ्री का 12x प्लस के वाई इक्वल माइनस के अनंत अनेक हल होंगे यदि के का मान है, ठीक है, के का मान क्या है कि इसके अनंत हल होंगे। तो इसको सबसे पहले हमको किस तरह से हल करना है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को इस तरह से हम लिखेंगे। अब जो भी समीकरण दिया था उसको लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है के एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल माइनस तीन दिया है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, और यहाँ पे 12x प्लस के वाई इक्वल माइनस के, यहाँ पे हम लिखेंगे 12x प्लस के वाई इक्वल माइनस के। अब हमें इसे हल करना है, ठीक है, सबसे पहले हम इसको समीकरण बना लेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, के एक्स प्लस थ्री वाई और ये माइनस है तीन, अगर इधर आएगा तो प्लस तीन इक्वल जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसको समीकरण एक मान लो एंड इसे भी आप लिख दो इसी तरह से, ये हो जाएगा आपका 12x प्लस के वाई और ये माइनस का के इस पर आएगा तो प्लस का के हो जाएगा इक्वल जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, ठीक है, इसकी कंपेयर इससे करेंगे और इसकी जो कंपेयर करेंगे वो करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ठीक है, इक्वल जीरो। तो इसकी जब कंपेयर हम करेंगे तो ए वन अपान ए टू इस तरह से, ठीक है, ए वन अपान ए टू अनंत हल के लिए यही होता है, बी वन अपान बी टू इक्वल नॉट, या इस तरह से भी लिख सकते सी वन अपान सी टू। सभी की वैल्यू को अगर हम रखेंगे तो यहां से हमें क्या मिलकर निकल कर आएगा, अब देखिए ए वन की वैल्यू क्या है, इस ए वन की जगह पे इसमें क्या है, के है, के रख दीजिए आप आराम से अपान में, ए टू की जगह पे क्या है, इस ए टू की जगह पे ये बारह है तो 12 रख देंगे बराबर, b1 की जगह पे क्या है, इसमें b1 की जगह पे 3 है तो 3 रख दीजिए अपान b2 की जगह पे, इसमें क्या है, b2 की जगह पे k है तो k रख देंगे इक्वल c1 की जगह पे, इसमें क्या है 3 है 3 रख दिया हमने, c2 की जगह पे इसमें क्या है, c2 की जगह पे k है तो k रख दीजिए आप। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम कोई दो लेंगे, ठीक है, ये सभी आपस में बराबर है, इन दोनों को लेकर हम हल करेंगे। यहां से आपका हो जाएगा k बटे के 12 बराबर 3 बटे के k, k का मल्टीप्लाई k में करोगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं, k का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब k का k में करेंगे और 12 का 3 में करेंगे तो 12 के 12 12 24 12 36, अब k को ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब k का अगर अंडर रूट करोगे, वर्गमूल करोगे तो ये आ जाएगा 6 × 36, k बराबर आपका जो 6 है ये अनंत अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, 3 दिया है, माइनस 3, 12 और 6, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, करेक्ट। एंड अगेन है कि चौथा समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल 10 में y का मान 5 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है, ये सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है, कैसे हल करेंगे आइए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ये दे रखा है कि 3x प्लस 2y इक्वल 10, ठीक है, और इसमें बोल रखा है कि y का क्या मान है, y बराबर 5 रखकर आप मान को ज्ञात कीजिए, तब x का मान पूछ रखा है, ठीक है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो y बराबर हम इस समीकरण में 5 रख देते, 3x प्लस 2y की जगह पे क्या रख देंगे, 5 बराबर 10 दे रखा है और यहाँ पे है 3x प्लस के 5 दुना के 10 बराबर 10, 3x इक्वल ये 10 इधर प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस पे, 10 पहले से भी है यहाँ पे, माइनस 10 ये कटकर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3x बराबर क्या हो गया, 0, x बराबर ये 3 गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में, 0 बटा के 3 बराबर आपका क्या आ जाएगा,
जीरो, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं कि क्या दिया है इसमें, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 6x² - bx+2 = 0 तो विभेदकर एक है, विभेदकर यानी डी की वैल्यू दे रखा है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। इस बी की वैल्यू को हमें पूछ रखा है। सबसे पहले आप समीकरण को लिख लो, पांचवा समीकरण है यहाँ पे, पांचवा क्वेश्चन है 6x² - bx+2 = 0 और इसमें विभेदकर d बराबर दे रखा है 1 और हमसे पूछा क्या b बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीज हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, हल करना है। इसका कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या निकल कर आया, हमें a बराबर 6 मिल गया एंड b की जगह पे क्या मिल गया, -b मिल गया एंड c की जगह पे क्या मिल गया, c की जगह पे 2 मिल गया। अब ये चीजें तो हमने निकाल लिया, हम जानते हैं कि विभेदकर d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। ये अब d की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे रख दो 1 = b का स्क्वायर। b की जगह पे क्या दे रखा है, -b दे रखा है, -b का स्क्वायर हो जाएगा, -4 है तो 4 लिख देंगे। a की वैल्यू कितना है, 6 × 6 × c की वैल्यू कितना है, 2 है, 2 पुट कर दिया, ये पुट अप हो गए सभी, ठीक है। 1 बराबर ये b माइनस b का वर्ग करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा आपका 4 × 2, ये 6 × 2 = 12, 12 × 24 = 36, 12 × 6 = 48। b का स्क्वायर अपने जगह पे है और ये माइनस का 48 इस बार आएगा तो प्लस का 48, 1 + 48, ठीक है। ये माइनस का इस बार आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्रशांतर की दर, ये बराबर प्रशांतर का रूल कहता है, ठीक है। अब b का स्क्वायर बराबर ये 48 और एक क्या हो जाएंगे 49। अब b का ये अंडर रूट लेंगे हम तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब b बराबर जो अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस का माइनस का 7, अंडर रूट में से निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, ऑप्शन ये एक है तो 7 - 7 + -7 + -√7, तो हमारा केवल 7 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दे रखा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल है, इसके मूल क्या है, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं है, वास्तविक है, तो ये चीजें हमें बताना है, तो इसको हम सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि वास्तविक और भिन्न कब होते हैं, वास्तविक और बराबर कब होते हैं, ठीक है, तो इसको हम हल करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम जानते हैं कि मूल बराबर और वास्तविक कब होते हैं, ठीक है। अगर आपका d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तब जाकर मूल वास्तविक और भिन्न होता है, ठीक है। क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होता है, ये चीजें, ठीक है। अगर यही d बराबर हो गया आपका b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये ग्रेटर देन था, अगर बराबर 0 आ जाए केवल तो वास्तविक और समान होगा, क्या होगा, वास्तविक और समान। तो यहां पे हम सबसे पहले इसे हल कर ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हम किससे का कंपेयर, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर देंगे। यहां से a बराबर क्या मिल जाएगा, 2, a बराबर आपका मिल गया 2, b बराबर -4 और c बराबर 1 मिल गया। तो यहां से d बराबर आपका हो जाएगा b का स्क्वायर के क्या है, -4 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4 लिख देंगे, गुणित्य a है तो a के वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, 2 गुणित्य c की वैल्यू 1 है, 1। अब इसे हम हल कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या आएगा, 4 × 16, ये प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, 8 = 0, ठीक है। अब 16 में से 8 गया तो बचेगा क्या, 8 = 0, ठीक है। अब देखो ये 8 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा, तो 8 > 0 यानी 8 से बड़ा है। अभी हमने आपको बताया था कि जब 0 से वैल्यू मान जो आए वो बड़ा आए तो वास्तविक और भिन्न होता है, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा आया तो ये क्या होगा, वास्तविक और भिन्न, ठीक है, और भिन्न होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें, इस वैल्यू में, इस मान में कि क्या आ रहा है हमारा,
तो यहाँ पे वास्तविक और भिन्न, ठीक है, ये आठ वास्तविक और भिन्न आएगा, ये वास्तविक और क्योंकि ये आठ से क्या है बड़ा है, जीरो से ये बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन की त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 5 सेमी, बीसी बराबर 5√3 सेमी और एसी बराबर 10 सेमी, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, त्रिभुज सबसे पहले एबीसी बना लेना है। सातवां क्वेश्चन है जिसमें एबी बराबर कितना है 5 सेमी, एबी बराबर 5 सेमी, बीसी बराबर 5√3, बीसी बराबर 5√3, एसी बराबर 10 सेमी, एसी बराबर 10 सेमी। कौन सा एसी है, ये एसी है त्रिभुज वाला। तो बी का वैल्यू हमसे पूछ रखा है, कोण बी का मान। ठीक है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ही बना लेते हैं इसमें इस तरह से। अब ये मान लेते हैं हम ए है और ये है आपका बी और ये है सी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, आप जानते हो कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कर्ण मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंक क्या है 10 है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। एसी ये क्या हो गया 10 सेमी दे रखा है ये वाला, एबी कितना है 5 सेमी दे रखा है, बीसी क्या है 5√3 दे रखा है। तो ये जो कर्ण होता है ये दोनों संख्याओं का बराबर होता है, ये दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं तब ये कर्ण आता है। क्योंकि इसमें अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस का प्रमेय हमसे क्या कहता है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही बोलता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, कर्ण दे रखा है 10 सेमी का, इसी के बराबर अगर ये दोनों आ गए तो समझो कि ये क्या है समकोण है। ठीक है, 10 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका, लंब AB है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है 5√3 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दद्दाह में ये 100 हो जाएगा बराबर, इसको भी 100 आना चाहिए। ठीक है, ये 5 × 25 प्लस ये 5 हो गया और ये √3 क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 100 = 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 × 25, इसको तोड़ेंगे तो इसका वर्ग 5 × 25 √3 का केवल 3, 25 × 3 = 75। तो यहाँ से हो जाएगा 100 = इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 100। अर्थात ये जो है ना आपका ये क्या है, कोण बी जो आपका निकल कर आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री, यानी ये कर्ण की ये दोनों से क्या है भुजाएं बराबर है। ठीक है, इनकी योग के बराबर है तो ये क्या होंगी, ये समकोण होगा। ठीक है, तो इसका कोण बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 90 डिग्री। देखते हैं है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे ये 90 डिग्री वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये आठवां भी उसी तरह से दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6√3 सेमी, एसी बराबर 12 सेमी और बीसी बराबर 6 सेमी। ठीक है, तब कोण बी का मान क्या होगा, ये चीजें सेम है उसी तरह से हल होंगी। यहाँ पे सभी वैल्यू को हमने लिख दिया जो आठ में दिया था। ठीक है, अब देखो हमने बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण की होती है, इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा मान होगा वो कर्ण का मान होता है। ठीक है, और इसमें भी कोण बी ही मान, एसी 12 सेमी दे रखा, ए सी कितना है 12 सेमी। ठीक है, ये कर्ण है। इसके बाद एबी क्या है, एबी 6√3 है, ये बी हो गया। इसके बाद एबी हो गया, एसी बीसी कितना है 6 सेमी, एबीसी दे रखा है 6 सेमी। ठीक है, इसी तरह से हमें कोण बी का वैल्यू पता करना है तो ये भी 90 अंश आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये कर्ण के बराबर होना चाहिए। एसी क्या है, एसी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एबी का स्क्वायर। ठीक है, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, 12 का वर्ग करोगे तो 12 = 144, एबी का देखो 6 है तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अब ये 12 = 144 आ जाएगा, इसके बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, 6×36 गुणित का वर्ग करोगे तो 3 प्लस 6×36, अब यहाँ पे 144 है बराबर 144 लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6×6 = 12, 6×3 = 18, 3×3 = 9 = 10, यानी 108 प्लस 36। अब इसे हमें जोड़ना है कि आपका हो जाएगा 8 और 6 = 12, 2×14 = 4, फिर 3 हाथ में लगा 1 = 4, 144, यानी 144 ये भी है,
ये क्या होगी, एक तरह का जो बी होगा वो कोण, वो क्या होगा, समकोण 90 डिग्री का। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन था, इसे ना भी हल करते तो आप लोग कर लेते, ये 90 डिग्री इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि बिंदुओं ए -4.2 तथा बी 5.6 को जोड़ने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु ए अपान 8.4 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नवा का वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने नवा के सभी वैल्यू को लिख लिया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रखा है, जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। x1 + x2/2 और एक होता है y1 + y2/2। ठीक है, इस ये फार्मूला था, लेकिन हमसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रखा है तो हम केवल x के मान को निकालेंगे। ये x बराबर होता है और ये y बराबर होता है। अब ये जो वैल्यू यहाँ से x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया, और ये आपका x हो गया, और ये केवल y हो गया। ठीक है, क्या x वाले को सबसे पहले हम निकालेंगे, केवल x के मान को पूछ रखा है, तो a अपान 8 इसी a का वैल्यू पूछ रखा है हमसे। ठीक है, x के जगह पे ये दे रखा है तो इसको लिख दिया। x1 क्या है, x1 -4 है, -4 लिख दो। फिर प्लस है तो प्लस लिखो। x2 क्या है आपका, 5 है तो 5 लिख दो, अपान में 2 है तो 2 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे a/8 इक्वल ये 5 और 4 को जब जोड़ोगे आप तो केवल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लिखते हैं। यहाँ बड़ी संख्या 5 है जो कि धनात्मक, यहाँ 1/2 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई a में कर दोगे तो आप 2a आ जाएगा, 8 में करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये चीजें गुणा में है, इस पर जाएंगे तो भाग में हो जाएगी। a बराबर आपका 8/2, ये गुणा में था, इस पर आया तो भाग में, 2 × 8 यानी a बराबर आपका क्या आ गया, 4। तो इसको यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, -8 - 4 = 2 तो आपका 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है कि बिंदुओं sin θ, cos θ और cos θ - cos θ के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी के फार्मूला से इसे सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, इस 10वां नंबर ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, sin θ, cos θ और cos θ - cos θ के बीच की दूरी हमें निकालना है। अब देखो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो यहाँ पे बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इस चीज को सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, फार्मूला नहीं पता है तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है आपका x2 - x1 2 y2 - y1 2। ठीक है, इसी फार्मूले पे हमें रखना है। ये आपका है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। इन सभी वैल्यू को हमें इस ब्रैकेट के जगह पे रख देना है। यहाँ पे हम रखेंगे x2 क्या है आपका, x2 आपका cos θ है, तो यहाँ पे रख देंगे cos θ माइनस x1 क्या है sin θ का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रहने दो, प्लस इन ब्रैकेट y2 की वैल्यू क्या है -cos θ है, तो -cos θ, फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, y1 की वैल्यू क्या है sin θ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप जानते हो, ये बचपन में सूत्र आपने पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता था a² + b² - 2ab, इसी पर हमको इसको तोड़ देना है। ठीक है, तो ये चीजें क्या आ जाएंगी आपका, cos²θ + sin²θ - 2 cos θ sin θ cos θ × sin θ। ठीक है, अब देखो इसको भी हमें खोलना है इसी सूत्र पे, प्लस लगा देंगे -cos²θ, ये हो जाएगा -cos²θ। ठीक है, फिर प्लस sin²θ, यहाँ पे हम लिख देंगे sin²θ - 2 cos θ। ठीक है, ये माइनस में तो माइनस लिखेंगे -2 cos θ × sin θ। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको आप समझो इस तरह से कि cos²θ + sin²θ = 1, कितना होता है 1,
तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, वन रख देंगे। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वन रख देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसकी जगह पे आप वन रख दो, माइनस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा ये है और ये है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, वन रख देंगे। माइनस है तो माइनस का वन रहेगा, माइनस वन। इसके बाद बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा आपका पूरा, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ये रेल आ गया आपका माइनस प्लस से, और ये माइनस प्लस से ये माइनस प्लस रेल आ गया। रेल आने के बाद बचा क्या, वन। अब इसकी जो वन की आप अंडर रूट निकालोगे तो ये प्लस माइनस का वन आता है, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली बीच की दूरी। देखते हैं क्या है ऑप्शन में आपके, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, दशा। ठीक है, तो दो अंडर रूट टू, टू अंडर रूट थ्री, एक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो जाएगा, एक वाला करेक्ट हो जाएगा ये चीजें। नेक्स्ट है कि यदि कोसेक ए बराबर सेक ए जीरो अंश इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन 90, तो ये आपका कोण ए बराबर होगा। ठीक है, कोण ए किसके बराबर होगा ये आपको फाइंड करनी है। गाइस यहाँ पे 11 नंबर हमने क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे कोसेक ए बराबर सेक ए। ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हो, कोसेक ए बराबर सेक ए। तब यहाँ पे लिखने के बाद कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपान साइन लिख सकते हैं, इसे इक्वल, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं वन अपान। ठीक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस से लिख सकते हैं। अब यहां से हम जानते हैं कि कॉस ए का मल्टीप्लाई इधर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, या आप साइन ए का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे। ठीक है, तो यहां पे बचेगा वन बराबर साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, हम जानते हैं साइन ए अपान कॉस ए क्या लिख सकते हैं, टेन ए, क्या लिख सकते हैं, टेन ए। अब जो एक है ना, ये टेन 45 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पे टेन 45 अंश की वैल्यू है एक बराबर टेन ए। अब देखो टेन से टेन रेल आ गया। ठीक है, ए यहाँ पे क्या बचा, ए, और यहाँ पे क्या बचा 45 डिग्री, तो ये आपके पास कितना बच, ए आ गया 45 अंश। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, 11 नंबर, 120, 60, 45, 30, तो ये हमारा 45 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगेन आपका 12 नंबर की 1 - 10² 45 अंश, 1 + 10² 45 अंश का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन यही दे रखा है। ठीक है, 1 - 10² 45 अंश, 1 + 10² 45 अंश। ठीक है, इसे हमें हल करना है, तो हम जानते हैं कि 10 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये चीजें तो आप बचपन से ही जानते हो। तो यहाँ पे 1 माइनस, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 10 45 अंश का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, कोई अपान, ये होगा 1 + 10 45 अंश का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, हमने इसकी वैल्यू क्या, इसके 10 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगी, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा। एक से एक आपका खत्म हो गया, ये हो गया 0/2, 2 से 2 में भाग दूंगी, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं दिया, लेकिन ये चीजें जो होंगी 0 होंगी। ठीक है, अब है 13 नंबर क्वेश्चन कि एक घड़ी की मिनट की सुई आर सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ रखा है। सबसे पहले आपको त्रिज्या आर सेमी लंबी है और समय 5 मिनट का दे रखा है। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन 13 नंबर को लिख लिया कि आर सेमी लंबी सुई की लंबाई दे रखा है, समय 5 मिनट दे रखा है, पूछ क्या रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे क्या होगा ये पूछा है। तो ये मान लेते एक सुई है, सॉरी एक ये क्या है, घड़ी है। ठीक है, इसका केंद्र ओ है, और केंद्र ओ का ये एक सुई है 12 वाली। ठीक है, बड़ी वाली, और 5 मिनट में मान लेते कि जो सुई का सुई हो गया यहाँ तक चलाया। ठीक है, और इसकी हमें क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करनी है, इस पूरे एरिया का हमें त्रिज्यखंड फाइंड करना है, और इसकी जो लंबाई सुई की वो आर सेमी है, कितनी है, आर सेमी है। अब इसके बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा, वो बनेगा थीटा एंगल का कोण। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या मान लेते हैं, थीटा है। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि एक मिनट में जो सुई होती है 6 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का बनाती है? 6 अंश का, ठीक है, 6 अंश का। तो 5 मिनट में कितने अंश का बनाएगी? 5 × 6 = 30 अंश का बनाएगी, यानी एन की वैल्यू कितना निकल गई? 30। अब गाइस आपको कौन सा फार्मूला लगाना है कि इसके मान को निकाल लें, तो ये होता है n/n या थीटा, आप लिख सकते हो, ये थीटा की ही वैल्यू है, एन लिखो या थीटा लिखो सेम बात है, ठीक है। n/360 × π r² अब देखो n की जगह पे क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, अपान में क्या है 360 है, गुणित्ते पाई आर का स्क्वायर। अब इससे इसको काट देंगे 12 बार में, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 बार। इसका जो अब वैल्यू आ गया वो क्या आ गई आपकी, 1/12 लिख देंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो पाई आर का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर सही हो रहा है, पाई आर का स्क्वायर अपन 12, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर अपन 12। एक को लिखिए चाहे मत लिखिए, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे गाइस 14 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या दे रखा है 10.5 सेमी और 60 अंश त्रिज्यखंड, कोण वाले त्रिज्यखंड की परिमाप क्या होगी, ये हमसे पूछेगा, इसका क्या परिमाप। तो इसको सबसे पहले हम हल करेंगे, ठीक है, जो जो चीजें दिया वहां पे हमने लिख लिया, त्रिज्या आर बराबर 10.5 सेमी और थीटा बराबर 60 अंश दे रखा है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, एक आपको ये त्रिज्या है, ठीक है, एक परिमाप आपको निकालना, इस तरह से ये एंगल बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ये केंद्र मान लो ओ, और इसका जो त्रिज्या है इसके बीच में 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है, कितने अंश का, 60 अंश का कोण बन रहा है, और इसकी ये सार की और इस त्रिज्या का, ठीक है, कितना दे रखा है दोनों का, 10.5 10.5। तो इसका जो सूत्र होता है वृत्त के, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 2r होता है, ठीक है, क्योंकि r इसका भी r है, तो 2r हो गया, 2r यहां पे हम लिखेंगे 2r प्लस, अब देखो ये क्या है, एक तरह का वृत्त बन रहा है, ठीक है, एक तरह का ये क्या हो रहा है, इसका भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका हमें परिधि फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πr, ठीक है, परिधि क्या होता है, 2πr बटे के 300, यहां पे एक एंगल भी बना है तो इसलिए हम थीटा लेंगे, बटे के 360 डिग्री, ठीक है, इसे हमें हल करना है, 2 × r की वैल्यू क्या है इसमें, 10.5 सेमी प्लस 2 × π का मान रख दो 3.14, गुणित्ते r की वैल्यू क्या है 10.5 सेमी, थीटा की वैल्यू क्या है 60 है, तो 60 इसे लिख देंगे हम, अपान में है 360, 60 से 60 इसको काट दो आप, ठीक है, ये छचाह के 36 यानी 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 से इसको काट दो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, 3 से इसको भी काट सकते हो आप, तो ये टोटल आपका कितना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 20 = 21 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 10 बच रहा है और इसका कुछ पॉइंट बचेगा जब इसे काट दोगे 11 के लगभग बचेगा, तो 11 और 21 और 11 को आप ऐड करोगे तो आपका वृत्त का जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 32 सेमी का स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। देखते हैं कि क्या आंसर इसका करेक्ट होने वाला है, ये है 32 सेमी, ठीक है, सेमी का स्क्वायर रहेगा, सॉरी ये परिमाप है, ठीक है, क्षेत्रफल नहीं है, ये क्या है, परिमाप हम निकाले, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये परिमाप है, ये क्या है आपका, परिमाप है, तो परिमाप कितना आ गया 32 सेमी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 सेमी। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हमें फाइंड करना है, त्रिज्या कितनी है 12 सेमी है, ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से, 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, एक वर्ग, ये तो हमने वृत्त बना लिया, अब इसमें खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये हमने एक वर्ग खींच दिया, ठीक है, अब इसकी जो विकर्ण होगी वो क्या हो जाएगी, ये मान लेते इसको ए हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया,
तो इसमें दो विकर्ण बन रहे हैं, सबसे एक विकर्ण ये है बीडी और एक विकर्ण क्या है एसी है, ठीक है। तो देखो ये जो विकर्ण होता है ये एक तरह का व्यास है, और जो व्यास है ना वो डी बराबर होता है डी इक्वल आर बाई टू, ठीक है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, तो इसकी वैल्यू आर हो जाएगी और इसकी वैल्यू आर हो जाएगी। अगर इस बी डी सी की बात करें, समकोण बी, समकोण आपको इस तरह से लिखना बी डी सी में, तो आर ये बी डी सी में एक आर ये है एक आर है, यानी आर प्लस आर को एड करोगे तब तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या दोनों को व्यास है, ठीक है। तो ये टू आर हो जाएगा, यानी विकर्ण जो इसका हो गया वो क्या हो गया टू आर, और इसमें त्रिज्या कितना दे रखा है 12 सेमी, जहाँ से 2 × 12 बराबर आपका विकर्ण जो हो जाएगा वो 24 सेमी हो जाएगा। कितना विकर्ण क्या है बी डी, बी डी, ठीक है। ये बी डी इस तरह से विकर्ण कितना है 24 सेमी आपका, विकर्ण तो हमने निकाल लिया आप 24 सेमी। अब हमें क्या फाइंड करनी, ये विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बी डी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी बी का स्क्वायर। अब हम क्या बी डी हमने निकाल रखा कितना 24, ये हो जाएगा 24 का वर्ग इक्वल डी सी क्या है, इसको ए मान लो इसको भी ए मान लो, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अभी 24 हम जो होगा आपका अगर इसका आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा, ठीक है, 576 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 अपान 2 इधर आ जाएगा, ये गुणा में इस पर आएगा तो भाग में। अब इसको ले लिए आप 2 × 4 2 × 8 16 2 × 8 16, ठीक है, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 288, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें आया है कि नहीं, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। हमने ए क्यों इसको माना, क्योंकि ये सब भुजा है, ये भुजा है ये भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का क्षेत्रफल। तो देखते हैं ये 15 नंबर में क्या है, ये क्षेत्रफल हमने निकाला इसको सेमी का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे 288 सेमी का स्क्वायर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 16 नंबर, यदि 10 सेमी कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन कितना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 10 सेमी कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया तो शंकु का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन के अंतर्गत बोल रखा है कि 10 सेमी कोर की घनाकार लकड़ी, घनाकार जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें ये क्या बना दिया, एक आयतन बना दिया, ठीक है, सॉरी एक वृत्त बना दिया इस तरह का, ये इस तरह का बना दिया। अब यहाँ पे यदि 10 सेमी कोर की घनाकार, इसकी जो एच है वो 10 सेमी है, ठीक है, ये कोर क्या है एक तरह का एच है इसकी, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी आर होगी, ठीक है, ये केंद्र ओ है। अब इसमें हमसे पूछ क्या रखा है, शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन भी इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसी पर हमें वैल्यू रखना है, तो भी बराबर हो जाएगा 1/3 × π का वैल्यू 22/7 रख दो, आर का वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू उसमें दिया ही नहीं है, तो आर का स्क्वायर ही रख देंगे, या तो आर की वैल्यू ये क्या है एक तरह का पूरा व्यास है, ठीक है, देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, ये पूरा का पूरा व्यास है, और जो त्रिज्या होती व्यास की आधी होती थी, ये 5 सेमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सेमी, ये 5 × 5 इस तरह से स्क्वायर है तो 5 × 5 रख देंगे, गुणते एच की वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। अब यहाँ से भी बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से जो काटने लायक वो काट दीजिए उसे, तो यहाँ से हमको कुछ नहीं लग रहा है काटने लायक, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 22 का 22 में, तो 22 × 22 और ये 7 × 21, ठीक है, गुणते यहाँ पे 5 × 5 = 25 गुणते 10, ठीक है, भी बराबर आपका आ जाएगा ये 250 सही, जब 22 × 250 / 21, ठीक है। अब इसका आपको भाग देना है, इसका जब भाग दोगे ना तो आएगा आपका 261.9, ठीक है, या भाग देखकर देख लेना, आयतन है तो ये क्या होगा घन 261.9, ठीक है, घन सेमी है तो घन सेमी में ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है,
आधार की त्रिज्याएं बराबर उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले बेलन बना लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। ये हो गया एक तरह का बेलन, ठीक है, ये क्या हो गया एक तरह का बेलन हो गया, और इसमें बोल रखा है, और एक हम क्या बना लेते हैं, एक शंकु बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया शंकु, और इसकी बोल रखा है कि ऊंचाई भी बराबर है, और इसकी ये जो त्रिज्या है ये भी बराबर, इसकी भी ऊंचाई बराबर है, और ये जो त्रिज्या दे रखा है ये भी क्या है, आपस में सब बराबर है। तो हम जानते हैं जो शंकु का ये सॉरी बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे वी टू की वैल्यू यानी इस शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों में संबंध निकालना है, तो वी वन अपान वी टू, वी वन की वैल्यू क्या है पाई आर का स्क्वायर एच अपान, वी टू की वैल्यू क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर कट गया, ये बचा 1/1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा 3/1। अब 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 संबंधे 1। ठीक है, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर, देखते हैं क्या आया है इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा 3 संबंधे 1। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन का 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की तिरेक ऊंचाई 5 सेमी है तथा शंकु की त्रिज्या 3 सेमी हो तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 18 को, एच की वैल्यू जो दे रखा 5 सेमी, त्रिज्या की वैल्यू 3 सेमी, एच की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, ऊंचाई दे रखा है, तिरेक ऊंचाई दे रखा है, तिरेक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं, ये एल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम क्या बना लेते हैं, शंकु बनाते इस तरह का, ये हो गया एक तरह का शंकु। ठीक है, अब इसकी 5 सेमी क्या दे रखा है, त्रिज्या ऊंचाई 5 सेमी दे रखा है, ये वाली वैल्यू। अब हमें इसकी फाइन क्या करनी है, इसकी त्रिज्या 3 सेमी दे रखा है, त्रिज्या कितनी है ये इसकी वैल्यू 3 सेमी, और हमें इसकी ऊंचाई ये एच को फाइंड करनी है। तो इसका जो सूत्र होता है त्रिज्या ऊंचाई का वो होता है एल का स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, एल दिया है कितना 5 सेमी, तो 5 रख दो आप, 5 का स्क्वायर बराबर, एच का वैल्यू नहीं है तो इसको रहने दो, प्लस आर की वैल्यू 3 है तो 3 को रख दो, ये हो जाएगा 5/5 25, ये हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर प्लस ये 3 3 9। अब यहाँ पे एच अपने जगह पे तो एच का स्क्वायर ही रहेगा, और ये 9 इधर आएगा तो 25 - 9 हो जाएगा। ठीक है, एच का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 हो जाएगा आपका 16 बचेगा, एच बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग को हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 का तो ये आ जाएगा आपका 4, जो इसकी त्रिज्या ऊंचाई थी वो क्या आ गई 4। ठीक है, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आ गई 4 सेमी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका 19 नंबर की 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर आपको 10 तक के धनात्मक जो संख्या होंगे वो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे और स्वयं 10 होगा। ठीक है, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, एन बराबर कितनी संख्या है 5। अब देखो इसको सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर x बार बराबर पदों की संख्या। ठीक है, सॉरी पदों का योग, अब लिख देंगे पदों का योग बटे के पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों का योग लिख दो आप इसको 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है 5 है, तो 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको जोड़ो, ये 10 10 20। ठीक, इसको लेकर 6 4 10 30, 30/5 और ये हो जाएगा आपका 5 6 30, यानी समांतर माध्य जो आ गया आपका एक्स बार की वैल्यू वो कितना आ गया 5 6 30 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, अब देखो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आ जाएगा वही बहुलक है। ठीक है, देखो 38 कितने बार आया, 1 2 3 बार आया। ठीक है, 3 बार और कौन आया 25, 1 2 3 बार आया है। अब इसमें 19 कितने बार आया, 38 देखो 1 बार आया है, 2 बार आया, 3 बार आया। ठीक है, तो इसका 38 ही होगा, 25 नहीं होगा। ठीक है, 38 होगा जो बड़ी संख्या है। अब इसके बाद 20 के बाद यहाँ से खंड ब चालू हो जाता है। पहला क्वेश्चन है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, क, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई
रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगी और आप भी बोर हो चुके होंगे पढ़ते पढ़ते, तो इसका जो पार्ट टू बनेगा ना वो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में बनेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस 20 बहुविकल्पी प्रश्न का पूरा सोल्यूशन था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, इसका पार्ट अगर नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं निश्चित बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप 70 नंबर मैथ में लाओ, तैयारी अच्छे से करो, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।